नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम मीठी मठरी बनाएंगे। ऐसे तो इसे सालों भर खाया जाता है, लेकिन कोई भी पर्व त्योहार पर विशेष तौर से बनाई जाती है और इसे हर प्रांत में हर नाम से जानी जाती है, कहीं मठरी, कहीं ठेकुआ, टिकड़ी। तो आज हम मीठी मठरी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम गेहूं का आटा, 150 ग्राम गुड़, किशमिश, कटी हुई सूखी नारियल, दरदरा कूटा हुआ छोटी इलायची, सौंफ और तलने के लिए घी। पानी आवश्यकता के अनुसार लेंगे और मेल्ट किया हुआ घी मोयन के लिए। तो सबसे पहले हम गुड़ को पिघला लेंगे। अब इसमें गुड़ और पानी डाल के मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। इसे तेज आंच पर ही पकाएंगे। गुड़ मेल्ट होने के बाद इसे थोड़ा सा खौला लेंगे। अब गैस बंद करके ठंडी होने पर छान लेंगे। अब गैस ऑफ कर देंगे। ठंडी हो गई है, अब इसे छान लेंगे। अब हम सबसे पहले आटा में मोयन को मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब इसमें कूटी हुई इलायची, सौंफ, किशमिश और सूखी नारियल को डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। इसे मिला लिए है, अब इसमें गुड़ डालेंगे। एक बार में सारे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे मिलाएंगे। इसका आटा पूरी की आटा की तरह सख्त गूंथेंगे। इसी तरह धीरे धीरे गुड़ को डालेंगे, एक बार में सारे गुड़ नहीं डालेंगे। पूरी की आटा की तरह सख्त आटा गूंथे है, देखिए एकदम बिल्कुल इस तरह से। अब इसे आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गई है, आटा सेट हो गई है। अब इसका लोई तोड़ लेंगे। आटा को दो भागों में डिवाइड करके इस तरह से लोई तोड़ेंगे। लोई अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब इसे गोल गोल करके लोई बना लेंगे। इस तरह से सारे आटा का लोई बनाएंगे। सारे आटा का लोई तैयार कर ली है, अब इसका मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए हाथ में घी लगाएंगे और इसे हथेली से दबाते हुए बना लेंगे। मठरी कई तरह से बना सकते हैं आप, बेल के, काट के या सांचा पर। इस तरह से बना लेंगे। अगर घर में सांचा ना हो तो आप चिप्स मशीन भी ले सकते हैं। चिप्स मशीन में हल्का सा घी लगा देंगे। अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाह रहा है तो इसे इस तरह से रखेंगे और इसे दबाएंगे। इसे हथेली से दबाते हुए बनाएंगे। इस तरह से इस पर आप कई तरह का डिजाइन बना सकते हैं।
लोई को रखेंगे और हथेली से दबाएंगे। देखिए एक और डिजाइन। इसी तरह से हम सारे लोई को बना लेंगे। अब जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सारे मटरी बन के तैयार है, अब इसे तल लेंगे। घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो गई है, अब आंच को धीमा कर देंगे। अब इसमें मटरी डालेंगे। एक बार में जितना आ सके उतना ही डालेंगे। इसे दूसरी साइड कर देंगे। ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर कच्चे रह जाएगी, इसीलिए इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। तो दोनों साइड अच्छी तरह से पक गई है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे कुछ देर रोकेंगे, एक्स्ट्रा घी निकल जाएगी। इसी तरह से बाकी बचे हुए मटरी को तल लेंगे। इसे कुछ देर रोकेंगे जी, एक्स्ट्रा घी निकल जाएगी। अब गैस ऑफ कर देंगे। सारे मटरी को छान लिया है। गुड़ की मीठी मटरी बनके तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।